इन क्वेश्चन 21 एक ऑब्जेक्ट है जो डिस्टेंस 40 पे रखा है किसी कॉनकेव से, और उसका खुद का फोकल लेंथ है 15। तो यहाँ ये यह हो जाएगा F और इसको बच्चों U बुलाएंगे अपन। फिर कहता है ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करा हम लोगों ने 20 सेंटीमीटर मिरर की तरफ, ये डिस्प्लेसमेंट है राइट। तो इमेज कितने से डिस्प्लेस होगी, दैट मीन्स ये आपका डेल्टा U का टर्म है, तो डेल्टा ऑफ V कितना बनेगा, समझते हैं पहले इस क्वेश्चन को। इसे हम लोग कॉनकेव मिरर बुलाएंगे, लेट से ये फोकस होगा तो 15 होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और पहली बार कहाँ रखा, देखो 40 पे, तो अज्यूम कर लो कि ये अपने ऑब्जेक्ट की पहली पोजीशन होगी जो कि बच्चों 40 सेंटीमीटर लिखी हुई है। फिर बाद में उसको शिफ्ट करके 20 कर रहा है, तो लेट से ये यूट्यूब पे ले आया अपन, है ना, इतना डिस्प्लेस कर दिया हम लोगों ने, ये अपना डेल्टा यू है ठीक। तो इन दोनों के हिसाब से इमेज कहाँ बन रही होंगी उसको अपन सीख लेंगे। इसे मान लो इमेज पहले यहाँ कहीं बनेगा, फिर पास लाओगे तो पीछे की तरफ चला जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस है ना डेल्टा वी का, ये अपन को पता लगाना है ठीक। तो मिरर फॉर्मूला कहता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। यहाँ से 1/v कितना मिल रहा है बच्चों, 1/f माइनस 1/u। एक फॉर्मूला चलता है अपन इसको याद करके रख लेते हैं, u इंटू एफ, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा और ये हो जाएगा u माइनस एफ ठीक है। इसको दो बार ही पढ़ लेते हैं जैसा क्वेश्चन वाला कहता है, ज्यादा नहीं करना अपन को। पहले वाले बार पढ़ोगे तो v की फर्स्ट वैल्यू मिलेगी। u बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 40, कन्वेंशन यूज करोगे तो हो जाएगा माइनस, और कॉनकेव का फोकस तो नेगेटिव का होता ही है, तो यहाँ भी आ जाएगा माइनस ठीक है। u माइनस एफ तो हो जाएगा ये माइनस ऑफ 40 माइनस ऑफ माइनस 15। सॉल्व कर लेते हैं तो ऊपर तो आ रहा है अपने पास 600 और यहाँ बच रहा है नेगेटिव का 25। इसको सॉल्व करोगे तो आ रहा है 24, लेकिन नेगेटिव का, और ये चीज़ आ रही है सेंटीमीटर में ठीक है। सेकेंड टाइम पढ़ते हैं तो यहाँ आ जाएगा V2, इमेज की बात हो रही है, इसका मतलब भी इसी पैटर्न पे लिखा जाएगा। U कितना होगा सेकेंड टाइम अपन पढ़ेंगे, तो ये डिस्टेंस उसने बोली है 20, क्योंकि 20 पे शिफ्ट कर चुका है वो, तो 20 बचेगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 20 माइनस का 15, और यहाँ आ जाएगा बच्चों माइनस ऑफ 20 माइनस ऑफ माइनस में 15 का टर्म आ जाएगा, ये हो रहा है बच्चों 300 ठीक है, और यहाँ बचेगा 5, तो ये हो रहा है माइनस का 60, और मुझे एक नेगेटिव और लगाना चाहिए ठीक है। माइनस और माइनस का टर्म है तो डेल्टा वी अपना आंसर मिल जाएगा, ये हो जाएगा वी टू माइनस वी वन, इट शुड बी माइनस 60 माइनस ऑफ माइनस 24, मतलब क्या है इसका, नेगेटिव में हुआ है 36 ठीक। और साफ दिख रहा है अपन को कि पहली बार 24 पे है, दूसरी बार 60 पे है और पीछे की तरफ है, मतलब आंसर होगा ये अवे। तो ऑप्शन मार्क करते हैं 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, ऑप्शन 3 इसका सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं।